सरोकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हर वार्ड के भावी प्रत्याशी जनता के बीच अपने चुनावी वादों को दोहरा रहे हैं और जनाधार को मजबूत करने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिसके चलते प्राइम टीवी की टीम कन्नौज पहुंची और वहां की जनता से वार्ड में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। आज हम पहुंचे हैं कन्नौज के छिबरामऊ नगर में। हम छिबरामऊ नगर की चर्चा और बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2017 के नगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को छिबरामऊ की जनता ने आशीर्वाद दिया था और उनकी जीत 51 वोटों से हुई थी। अब हम ये जानना चाहेंगे उन्होंने नगर में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं और जनता उनसे कितना खुश है और जनता के बीच वो कितना खरा उतरे हैं। विकास तो हुआ भाई, राजू दुबे ने विकास करा है, हम उनसे खुश हैं। हमारे रोडें बनाई, हमारे मोहल्ले में जो पानी दिक्कतें थी वो भी सही कराया है। मिसाल तौर पर जैसे नगरपालिका में बत्ती नहीं आई तो हमारे मोहल्ले में उन्होंने टैंकर भिजवाए पानी के लिए। चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया और भविष्य में हमें उम्मीद है कि और भी सारे कार्य पेंडिंग में हैं सारे पूरे होंगे। वो काफ़ी नए रोड बने हुए हैं और लाइट की समस्या बहुत बड़ी थी और लाइट भी अच्छी नगर में की गई है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, जगह जगह पर लाइटें हैं, पूरा जीटी रोड जगमगा रहा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में फिर से चेयरमैन को दोबारा मौका देना चाहिए और बार बार चेयरमैन बदलने से नगर का हित नहीं होता है। तौर से नगर में सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, लाइटें स्ट्रीट लाइटें सब जगह लगाई गई हैं और रोडों की व्यवस्था देख रेख अच्छी चल रही है। अच्छा हुआ है काम इस बार, सब हो गया, रोड बन गया, पानी की टंकी अंकी लगने को है, समर लग गई, रोड भी वीआईपी लग गया, सब कुछ हो गया। पानी व्यवस्था, सोलर लाइट, पानी की टंकी, नए ट्यूबवेल, जहाँ पानी नहीं पहुँचता था वहाँ तक पानी पहुँचाया गया, सड़कें देखिए आप। जब लोग बाजार जाते थे गर्मियों में तो पानी की पीने की बहुत बड़ी समस्या थी, तपन वो इतनी होती थी जो पानी का पीना नहीं होता था चौराहों पर, तो बस चेयरमैन साहब ने जगह जगह वाटर कूलर लगवाए, इससे पानी की समस्या ख़त्म हो गई। नगर में सबसे ज़्यादा सड़कें ख़राब थीं तो नगर में जो सड़कें सभी सही कर दी गई, सीसी रोड से सब जोड़ दिया गया, हर मोहल्ला गले चौराहे, तो सभी समस्या हल हो गई हैं नगर की। 5 साल में बहुत अच्छा विकास हुआ है। नगर में हमारे कार्यकाल में सबसे पहले तो हमने अपने नगर में बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक ज़रूरतें थी वो पूरी करने की कोशिश की। जैसे रोडें हैं, बहुत सारी रोडें बहुत खस्ता हाल थी, बहुत टूटी फटी थी, उन पर काम किया है। पानी के निकास की व्यवस्था थी, उसमें बहुत सारे नाले ऐसे थे जो टूटे पड़े थे, पानी नहीं निकल पाता था, बहुत सारी बस्तियों में पानी का जल भराव होता था, उन नालों को बनवाने की कोशिश की है। उसके बाद में यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था के अंतर्गत पहले कोई भी ऐसे कोई स्टैंड पोस्ट हो वो सब नहीं थे, बहुत कुछ अस्त व्यस्त व्यवस्था थी, तो उसकी जगह पर हमने वाटर कूलर्स लगवाने की व्यवस्था की है। रोड, पेयजल, जल निकासी के अलावा स्ट्रीट लाइट नगर पालिका का एक जो मुख्य कार्य हुआ करता है, तो पूरे नगर को पहले जो हमने 6 महीने सिर्फ इसी बात में गुजारे थे और हमने एक पहला टारगेट बनाया था, ये लेकर के चले थे कि हमारे नगर में कोई भी गली अंधेरी नहीं होनी चाहिए, तो हम उसमें सोलर लाइट लगवाने की कोशिश की, ई रिक्शा चलवाए, टिपर चलवाए और इन सब से कूड़ा कलेक्शन करने के बाद में कहीं बाहर डालने की व्यवस्था करी गई थी तो वो खुलेआम रोडों पर पड़ा रहता था, उसकी बजाय अब कूड़ा निस्तारण प्लांट हमने एक सरकार से जगह लेकर के उसको बनवाया है। मैं मुस्लिम समाज से हूँ, चेयरमैन साहब ने काम कराया है, कब्रिस्तानों में लाइटें दी हैं, हर मस्जिद के पास लाइट दी है, सौर ऊर्जा लाइट दी है और नगर में काम भी कराया है। नगर में जो व्यवस्था थी कूड़े नाली की वो भी सही कराई है उन्होंने, लोडर चलवाए हैं, रिक्शे ई रिक्शे चलवाए हैं। नगर संघ
प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।